व्हाट्सअप फूड ये स्वागत है फ्राइडे की चेस्ट और एब्स की वर्कआउट में। हम वार्मअप शुरू करेंगे पुशअप से। अगर आप बिगिनर हो फिर नी पुशअप लगाएं और अगर आप एडवांस हो फिर फुल पुशअप लगाएं। वार्मअप बहुत जरूरी है ताकि किसी प्रकार की इंजरी ना हो। डाउनलोड करें फ्री वर्कआउट एंड डाइट पीडीएफ जिसके लिंक्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम चेस्ट की वॉकिंग सेट शुरू करेंगे वन आर्म रेजिस्टेंस बैंड चेस्ट प्रेस, जिसमें रेजिस्टेंस बैंड हमें चेस्ट लेवल पे बांधना है। अगर आपको छाती की थिकनेस या मोटाई बढ़ाना है फिर रेजिस्टेंस बैंड चेस्ट प्रेस को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। आपने ये एक्सरसाइज डंबल से या बारबल से भले ही किया होगा पर रेजिस्टेंस बैंड से शायद ही लगाया होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस प्रोग्राम की वर्कआउट सीरीज में जब भी आप न्यू एक्सरसाइजेस लगाते हो तब न्यू मसल फाइबर्स रिक्रूट होता है। नोट करें सिर्फ वर्कआउट करने से फैट नहीं घटेगा। अगर आपको रिजल्ट चाहिए और गेस्टवर्क नहीं चाहिए फिर डाइट वीडियोस और रेसिपी वीडियोस को भी फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि ये इंटरमीडिएट फास्टिंग डाइट के ऊपर बेस्ड है ये प्रोग्राम, जिससे कि आपकी बॉडी फैट तुरंत बर्न होगा। 100% वर्कआउट वीडियोस, रेसिपी वीडियोस, वर्कआउट पीडीएफ एंड डाइट पीडीएफ को फॉलो करें ताकि 100% रिजल्ट्स मिले आपको। सुपर सेट का दूसरा एक्सरसाइज है वन आर्म रेजिस्टेंस बैंड चेस्ट फ्लाई, जिसमें फिर से आपको रेजिस्टेंस बैंड चेस्ट लेवल पे ही रखना है। इस प्रोग्राम के जितने भी एक्सरसाइज सुपर सेट में हैं उसको आपको इकट्ठे नॉन स्टॉप बिना किसी रेस्ट के लगाना है, मतलब दो एक्सरसाइजेस बैक टू बैक लगाना है। उसके बाद आपको अपने फिटनेस लेवल के अनुसार 30 या 45 सेकंड रेस्ट लेना है। अगर आपको चेस्ट को चौड़ा बनाना है या विड्थ इंक्रीज करना है चेस्ट की, फिर चेस्ट फ्लाई आपके वर्कआउट रूटीन में ज़रूर होना चाहिए। एक हाथ से रिपीटेशंस ख़त्म करने के बाद दूसरे हाथ से 15 रिपीटेशंस लगाएं एक्सरसाइजेस के। हम नेक्स्ट सुपर सेट की ओर बढ़ेंगे। ये सुपर सेट है पुशअप्स का, रेजिस्टेंस बैंड इंक्लाइन पुशअप एंड रेजिस्टेंस बैंड डिक्लाइन पुशअप। पुशअप बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है जो बहुत लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें बेसिक्स कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बेसिक्स मास्टर करने से हम एक बेहतर एथलीट बन सकते हैं। बिगिनर्स आप इंक्लाइन नी पुशअप लगाएं। मेक श्योर आप योगा मैट घुटनों के नीचे रखें, नहीं तो घुटनों में चोट लगेगा। अगर आप एडवांस हो फिर रेजिस्टेंस बैंड इंक्लाइन पुशअप या इंक्लाइन पुशअप लगाएं अपने फिटनेस लेवल के अनुसार। पुशअप की डिटेल्स मैं एक ट्यूटोरियल वीडियो में अलग से बनाया हुआ है अपने चैनल में, आप क्लिक करें ऊपर कार्ड नोटिफिकेशन अगर आपको परफेक्ट पुशअप लगाना सीखना है। सुपर सेट का दूसरा एक्सरसाइज है रेजिस्टेंस बैंड डिक्लाइन नी पुशअप। आपको एक रेस्ट प्लेटफॉर्म पे पांव रखना है और पुशअप लगाना है। अगर आप बिगिनर हो फिर डिक्लाइन नी पुशअप लगाएं, पर ध्यान रहे घुटनों के नीचे टॉवल या योगा मैट जरूर रखें। अगर आप नोट करोगे तो आज के चेस्ट के वर्कआउट में सारे चेस्ट प्रेस एंड चेस्ट फ्लाइज के एक्सरसाइजेस के सुपर सेट में बस रेजिस्टेंस बैंड का बांधने का जो पोजीशन है वो अलग है। रेजिस्टेंस बैंड अलग अलग लेवल पे जब आप सेट करते हो तब चेस्ट की मसल्स को आप क्या करते हो कि चारों खाने चित करते हो, जो बहुत ज़रूरी है अगर आपको प्रॉपर चेस्ट को शेप में लाना है या एस्थेटिक फिजिक चाहिए। नेक्स्ट हम दो एक्सरसाइजेस इकट्ठे लगाने वाले हैं वन आर्म रेजिस्टेंस बैंड चेस्ट प्रेस एंड चेस्ट फ्लाई, जिसमें आपको रेजिस्टेंस बैंड घुटनों के लेवल पे बांधना है। नोट करें रेजिस्टेंस बैंड पूरे एक्सरसाइज के दौरान स्ट्रेच रहे। अगर बिल्कुल लूज हो रहा है फिर टेंशन चेस्ट मसल से हट जाएगा और चेस्ट ठीक से ट्रेन नहीं होगा। अगर आपको टेंशन चेस्ट मसल्स में बढ़ाना है फिर जहां रेजिस्टेंस बैंड बांधे हो उसके एक दो स्टेप की दूरी पे खड़े हो और चेस्ट की एक्सरसाइजेस लगाएं।
इससे रेस्टेंस बैंड हमेशा स्ट्रेच स्ट्रेट में रहेगा और आपको एक ज़बरदस्त पम्प मिलेगा चेस्ट में। एक्सरसाइज के बीच बीच में पानी ज़रूर पीते रहें, इससे आपको डिहाइड्रेशन के कॉमन साइड इफेक्ट से छुटकारा मिलेगा और आप एक्सरसाइज के दौरान बेहतर परफॉर्म कर सकोगे। आज का लास्ट चेस्ट का सुपर सेट में है रेसिस्टेंस बैंड वन आर्म चेस्ट प्रेस एंड चेस्ट फ्लाई। इस सुपर सेट में आपको रेसिस्टेंस बैंड सर के लेवल के ऊपर बांधना है ताकि प्रॉपर चेस्ट की मसल स्ट्रेन हो। माइंड एंड मसल कनेक्शन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप रेसिस्टेंस बैंड से वर्कआउट करते हो, क्योंकि अगर एक्सरसाइज के दौरान किसी प्रकार का झटका का इस्तेमाल किए तो टेंशन मसल से हट जाएगा और आप बेकार में अपना समय बर्बाद करोगे। जब आपका हाथ पूरा सीधा होता है एक्सरसाइज के दौरान, तब स्क्वीज करें अपने चेस्ट मसल्स को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड चेस्ट मसल्स तक जाएगा, और ब्रीद आउट करें। एक्सरसाइज के बीच बीच में पानी ज़रूर पीते रहें, इससे आपको डिहाइड्रेशन के कॉमन साइड इफेक्ट से छुटकारा मिलेगा और आप एक्सरसाइज के दौरान बेहतर परफॉर्म कर सकोगे। अगर आप बिगिनर हो फिर 15-15 रिपीटेशंस लगाएं दोनों सुपर सेट की एक्सरसाइजेस के, उसके बाद 45 सेकंड रेस्ट लें। ऐसे आपको कुल मिलाकर 3 सेट्स लगाने हैं। अगर आप एडवांस हो फिर आपको एक्सरसाइज के बीच 30 सेकंड रेस्ट लेना है, ऐसे आपको कुल मिलाकर 5 सेट्स लगाने हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वर्कआउट PDF में मिल जाएगा, जिससे आपको रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करना है इस पूरे प्रोग्राम के दौरान। अब हम एब्स की सुपर सेट शुरू करेंगे एब सीजर से। जैसा कि एक्सरसाइज के नाम से ही आपको पता चल रहा है, आपको लेग्स क्रॉस करना है कैंची की तरह। जब दोनों लेग्स क्रॉस करके एक्सट्रीम पोजिशन में आ रहे हैं, तब ब्रीद आउट करें। एब सीजर काफ़ी सारे मसल्स को टारगेट करता है, जैसे ओब्लिक्स, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, रेक्टस एब्डोमिनस एंड हिप फ्लेक्सर्स। लास्ट एब्स का एक्सरसाइज है फ्लोर वी क्रंचेस। फिर से हमें एक्सरसाइज के नाम से ही पता चल रहा है, बॉडी वी शेप में रहेगा क्रंचेस लगाने के दौरान। मिलते हैं इंटरमिटेंट रेसिस्टेंस की सुपर टेस्टी रेसिपी वीडियोस में, जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर बेस्ड है। टेक केयर, दिस इज अमित, लव यू, साइनिंग ऑफ।